नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत में क्या कुछ खास रहा है और आज के दिन में क्या कुछ खास रहेगा, इसकी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। देश से बढ़ा दवाओं का निर्यात, 2023 और 24 में 9.67% बढ़कर करीब 28 अरब अमरीकी डॉलर किया गया दर्ज। सरकार की तरफ से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएलआई योजना का दिख रहा है असर। नियमों के उल्लंघन के चलते भारतीय रिजर्व बैंक की कोटक महिंद्रा बैंक पर सख्त कार्रवाई। आरबीआई ने बैंक को फिलहाल ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक जोड़ने से रोका और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी लगाई रोक। माइक्रोन के बाद अब सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़ी जापान की बड़ी टेक कंपनी शार्प भारत में निवेश करने की तैयारी में। शार्प यूनिट लगाने के लिए देश के कई हिस्सों में तलाश रही है 1,000 एकड़ से अधिक जमीन। शार्प भारत में कटिंग एज वाले डिस्प्ले फैब का करेगी निर्माण। जापान से बाहर ये शार्प की हो सकती है सबसे बड़ी यूनिट। और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। और आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आपको बता दें किस तरीके से जब देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, देश की भूमिका की बात करते हैं, तो लगातार उसमें एक बदलाव हमने देखा है। वहीं वित्तीय सेवा कंपनी जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी रिमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए आर्थिक विकास को खूब सराहा है। इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेमी रिमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सुधारों को आगे बढ़ाकर और समावेशी कार्यक्रमों के जरिए 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। मोदी has done an unbelievable job in India. I mean, literally, and I know, you know, the liberal press here, you know, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. When we go lecture Modi about, you know, when we they want trade with us, you know, but we lecture literally. You know, I go to these countries soon after a lot of our government officials there. It's like we're fantasizing about, you know, climate and labor and how we think they should be running their country. He has 400 million people without toilets. Really? And we're lecturing them how to do things. They put in this unbelievable. They every citizen by hand or by eyeball or by finger. Is recognized. They open bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just, he's tough. You know, but I think you have to be tough to break that down, you know, and he's breaking down some of the bureaucracy. They have, I think it's 29 states or something like that. But they all had completely different, it's almost like Europe. They had completely different tax systems, which leads to enormous corruption. He's breaking all that stuff down. And so, yeah, there are examples of people who have just turned these things around. And we need a little bit more of that here. तो किस तरीके से भारत का जो आर्थिक विकास है उसमें तेजी आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अविश्वसनीय किस तरीके से काम किया गया है उसके बारे में सराहना करते हुए यहाँ नजर आए। अब आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कारोबार जगत में। सबसे पहले बात अगर गिफ्ट निफ्टी की जाए तो आज के दिन की स्थिति क्या बनी हुई है गिफ्ट निफ्टी की, ये आपको बता दें। दरअसल गिफ्ट निफ्टी आज 27 अंकों की गिरावट के साथ 22,338 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। तो लाल निशान के साथ कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी यहाँ नजर आया है। और इसके साथ साथ अगर सेंसेक्स की भी हम बात करें तो जैसा हमने आपको बताया था कि आज जो शुरुआत है वो लाल निशान के साथ हुई। हालांकि वैश्विक उथल पुथल के बीच अगर हम देखें तो भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 186 अंकों की गिरावट के साथ 73,666 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी की भी अगर खास तौर से हम बात करें तो यहाँ भी 63 अंकों की गिरावट जो है वो देखी गई, जिसके बाद ये 22,338 के स्तर पर खुला। और कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो लाल निशान के साथ फिलहाल जो कारोबार है वो होता हुआ नजर आया है। वहीं आज के टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें यानी जहाँ हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है उनमें एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, साथ ही आयशर मॉड और सन फार्मा, नेस्ले इंडिया, ये कहीं ना कहीं फिलहाल बढ़त बनाते हुए नजर आए हैं। हरे निशान के साथ यहाँ पे जो कारोबार है वो होता हुआ नजर आया है। तो जाने आपने किस तरीके से जो आज के टॉप गेनर्स थे
उनके बारे में, और साथ ही साथ लॉसर्स की अगर हम बात करें जहाँ पे आज कहीं ना कहीं लाल निशान के साथ जो काम हुआ है, जो कारोबार हुआ है लाल निशान के साथ, वो आपको बता देते हैं। इसमें खासतौर से अगर बात करें कोटक बैंक की अगर बात की जाए तो यहाँ इसके साथ ही टाटा कंज्यूमर, LTIM, टाइटन और हिंदू यूनिलीवर, ये आज के टॉप लूजर्स की श्रेणी में नजर आए, यानी यहाँ लाल निशान के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ नजर आया। इसके साथ ही क्रूड की भी अगर बात करें तो आपको बता दें ब्रेंट क्रूड का जो भाव है वो $88 के पार प्रति बैरल आज दर्ज किया गया। तो जाना आपने कारोबार जगत में क्या कुछ फिलहाल अभी तक देखने को मिला है, लेकिन आगे का जो समय है, जो पूरा दिन है, उसमें भी किस तरह का उतार चढ़ाव होगा, ये वाकई अपने आप में देखने लायक होगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फोकस की। पिछले वित्त वर्ष के दौरान निर्यात के लिहाज से भारत को कई नए बाजारों में कदम रखने का मौका मिला, तो सरकार की तरफ से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई PLI योजनाओं का असर भी अब नजर आने लगा है। उसी वजह से अगर देखा जाए तो दवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 9.67% बढ़कर करीब 27.9 यानी करीब 28 अरब अमरीकी डॉलर दर्ज किया गया है। विश्व में सबसे तेजी से उभर रही भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है, जिसमें नीतियां तो कारगर रही ही हैं, साथ ही बढ़ता निर्यात भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खासतौर से दवाओं के निर्यात की बात करें तो ये वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 9.67% बढ़कर 27.9 अरब अमरीकी डॉलर हो गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में निर्यात 25.4 अरब डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में दवा निर्यात 12.73% बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गया। भारत ने 2023-24 के दौरान 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में सबसे ज्यादा दवाओं का निर्यात किया। इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 31% से अधिक रही। देश का दवा उद्योग दुनिया में मात्रा के हिसाब से 3रा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 13वां सबसे बड़ा उद्योग है, जो 60 चिकित्सीय श्रेणियों में 60,000 से अधिक जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करता है। भारत को पिछले वित्त वर्ष के दौरान कई नए बाजारों में कदम रखने का अवसर मिला था। जानकारों की माने तो घरेलू दवा उद्योग का कारोबार 2030 तक बढ़कर 130 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। बाजार अवसरों के विस्तार और विदेश में बढ़ती मांग के दम पर ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। साथ ही सरकार ने प्रमुख दवा सामग्री और जेनेरिक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन यानी PLI की 2 योजनाएं शुरू की हैं, जिस वजह से आत्मनिर्भरता के साथ साथ निर्यात को बढ़ावा मिलता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News। तो देखा आपने किस तरीके से जब हम दवाओं के निर्यात की बात करते हैं तो ये भी एक ऐसा क्षेत्र जहां पे लगातार इजाफा होता हुआ हमें नज़र आया है। वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 9.67% की जो बढ़त है वो इसमें दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले समय में और किस तरह की बढ़ोतरी होगी और किस तरह की संभावनाएं इस क्षेत्र में नज़र आ रही हैं, इस पर चर्चा के लिए आइए रुख कर लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर विरंची शाह जी जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं IDMM से। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे विरंची जी, किस तरीके से जब हम देखते हैं जो हमारा निर्यात है अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा, लेकिन अगर देखा जाए जो फार्मा की जब हम बात करते हैं, दवाओं के निर्यात की बात करते हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ में जो निर्यात में बढ़ोतरी हुई है? पहले तो इस प्रोग्राम में मुझे और IDMA को शामिल करने के लिए आपका धन्यवाद जी। दवा उद्योग आप कुछ सालों में देखे तो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री की तरह उभर के आया है, और खास करके कोविड के बाद भारत में नहीं पूरे विश्व में प्राइवेट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी मेडिसिंस और हेल्थ केयर में बढ़ा है। भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेडिसिंस का जी, इसीलिए हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की तरह जाने जाते हैं। हाल में जो ये इंडस्ट्री है वो करीब करीब 55 बिलियन डॉलर की है। आपने जब देखा 27 बिलियन डॉलर जितना हमारा एक्सपोर्ट है और करीब करीब उतना ही हमारा एक डोमेस्टिक मार्केट है।
कि जिस तरह से ट्रेंड्स जा रहे हैं 2047 तक, जो हमारा अमृतकाल का एक विजन है, तो सीएजीआर जो अभी हमने 10% अप्रोक्सीमेटली मेंटेन किया है, इस सीएजीआर को मेंटेन करते हुए करीब करीब 450 से $500 बिलियन तक जी. हम ग्रो कर सकते हैं। इतना बड़ा ये एक क्षेत्र है। इसमें जैसे मैंने बताया कि कंजम्पशन भी ड्राइव हुआ है, उसके जी साथ भारत की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है और इंडस्ट्री है, उन्होंने साथ में क्या काम किया है, और भारत की सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहक स्टेप्स लिए हुए हैं कुछ सालों में। जी जैसे आपने बताया कि पीएलआई जो हम लाए थे, तो हमने महसूस किया था कि हालांकि हम फॉर्मुलेशन जो फिनिश मेडिसिन होती है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप वगैरह में, तो जी हम विश्व में 3 नंबर पे है, लेकिन कुछ एपीआईज और जी केएसएम्स जो ये दवाई बनाने में यूज होते हैं, इसके लिए हम इम्पोर्ट पे हमारा निर्भरता थी। तो आत्मनिर्भरता लाने के लिए गवर्नमेंट ने 2 PLI स्कीम ली, PLI 1 और PLI 2, जी और ये इसके अंतर्गत काफी इंडस्ट्रीज यहाँ ऑलरेडी काम करने लगी है। अभी करीब करीब 30 साल के बाद फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन जी का आपने जी न्यूज पढ़ा होगा कि जो बेसिक ड्रग है बहुत, वो इंडिया में बननी फिर से शुरू जी हुई। डॉक्टर शाह, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतियां के चलते जो निर्यात है उसमें इजाफा हम मान सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता भी आई है. पहले जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट की एक कंडीशन होती थी, लेकिन आज के समय में हम निर्यात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भरता भी हमारे देश में देखी जा रही है, और आत्मनिर्भरता के साथ जो निर्यात है वो बढ़ रहा है. जी, वही मैं बता रहा था आपको कि जो पीएलआई स्कीम आई, जो हमारा एपीआई और केएसएम्स में हमारा डिपेंडेंस था, जी उससे मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ सेक्टर स्ट्रेंथन हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको भी बूस्ट मिला। जी और जो एपीआई हम इंपोर्ट करते थे, आज ये परिस्थिति है कि उसमें से कुछ एपीआई ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए, और अगले कुछ सालों में हमारा एपीआई का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो जी फॉर्मुलेशन का एक्सपोर्ट जो है वो स्ट्रेंथन है, उसको पीएलआई से एक सपोर्ट मिला है, और एपीआई का अपना एक एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो इससे जी काफी अच्छा एक ग्रोथ होगा। जी डॉक्टर शाह, लेकिन एक जब हम बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, वो आपको कहाँ लगता है? क्योंकि कोविड के समय में ऐसा लगा था शायद ना सिर्फ जो अलग अलग क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं, उनमें मुश्किलें बढ़ गई थी, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हमने देखा था किस तरीके से जूझ रही थी, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी वो तेज़ी से मजबूत हुई, और अभी तक हम देख पा रहे हैं सबसे तेज़ी से उभरती हुई नज़र आती है. तो क्या कोविड के बाद से एक बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं देखने को मिला है? जी जरूर, कोविड के बाद बड़ा बदलाव मिला है, लेकिन मैं हमारा जो लीडरशिप है उसका उसको भी बहुत बड़ा श्रेय देता हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा जी. कि हम पिछले 30 साल से दुनिया में जेनरिक मेडिसिन, यानी जो ऑफ पेटेंटेड मेडिसिन है, उसमें हम वर्ल्ड में नंबर 3 आ गए हैं इन जी टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इस लीडरशिप ने, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख भाई, उनकी लीडरशिप में पूरा फोकस शिफ्ट किया हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे। तो एक गवर्नमेंट की स्कीम भी अभी आई थी जिसको हम पीआरआई भी कहते हैं, प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन फार्मा एंड मेडटेक सेक्टर। जी तो इससे हमारा ध्यान था तो हम जो जेनरिक अच्छा कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन एक फंडामेंटल चेंज हमने किया कि हम रिसर्च में क्यों ना इन्वेस्ट करें। जी ऐसा क्यों ना हो कि अगले 20-25 साल में दुनिया में जो 10-15 नई मेडिसिन आ रही है, उसमें से 2 या 3 या 5 मेडिसिन इंडिया की रिसर्च की हुई मेडिसिन जी है। तो ये एक फंडामेंटल चेंज आया पीआरआईपी से। दूसरा एक फंडामेंटल चेंज अभी पॉलिसी ड्रिवन आया, वो एक शेड्यूलम जो मैन्युफैक्चरिंग के जो जीएमपी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जी जिससे क्वालिटी पे इंपैक्ट पड़ता है। तो हमारा जो अभी का जो एग्जिस्टिंग कोड था वो 2002 में बना था, जी हाल ही में शेड्यूलम को अपग्रेड कर दिया गया, जो WHO के जो मानक है उसके पैरेलल कर दिया गया। और छोटे और मध्यम, क्योंकि हमारे पास करीब 4,000 4,500 छोटे और मध्यम मैन्युफैक्चरर्स हैं इस देश में, जी उनको सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम लाई गई जिसे PTUS कहते हैं, प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम। जी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए हर एक जो जी 4,500 हमारे जो यूनिट्स हैं उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया PTUS से, ताकि ये लोग क्वालिटी के लिए ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। जी तो एक हम निर्यात को सपोर्ट कर रहे हैं, एक आत्मनिर्भरता को सपोर्ट कर रहे हैं, एक हम इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये जी चारों स्टेप से
इस सेक्टर में काफी ग्रोथ देखा। बिल्कुल, और खासतौर से जब हम इनोवेशन की बात करते हैं या जब रिसर्च की बात हम कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि इस पर एक तरीके का फोकस जो है वो देखने को मिला है पिछले कुछ वर्षों में, और उसी का नतीजा हम मान सकते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट निर्यात को जब हम देख रहे हैं तो अमेरिका में करीब हमारा जो कुल निर्यात है उसका 31% जो निर्यात है हमने अमेरिका को किया है। जी, तो भारत का जो एक्सपोर्ट है उसमें जो सबसे मैच्योर मार्केट्स है दुनिया में यूरोप और यूएस, अगर ये दोनों को जोड़ा जाए तो करीब करीब 49% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ये दो देश में होता है। ये भी बताता है कि ये जो इंडस्ट्री है वो क्वालिटी में कितनी स्ट्रांग है, कि ये जो दुनिया के सबसे स्ट्रिंजेंट अथॉरिटीज हैं इनकी हमारी दवाई ये एक्सेप्ट करते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में डॉक्टर शाह अगर देखा जाए, क्योंकि तमाम जो देश हैं वो भारत को एक बेहतर विकल्प के रूप में आज के समय में देखते हैं, और पिछले वित्त वर्ष में हमने देखा कि कई नए ऐसे देश थे जहाँ पे हमारा जो निर्यात है वो पहली बार हुआ, यानी नए अवसर जो हैं वो अब हमारे सामने आए, लेकिन जो एक लक्ष्य जब हम बात कर रहे हैं 2030 तक, कैसे उसको हम सार्थक कर पाएंगे, जो 130 अरब डॉलर की जब हम खासतौर से बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं? संभावना मैंने बताया इसलिए है कि यहाँ दो परिबल काम कर रहे हैं, एक तो पोस्ट कोविड, और आपको मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, कोविड में जब पूरी दुनिया का सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी गुड्स की, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो पा रहा था, ऐसे खराब समय में भी भारत ने अब पूरे विश्व को मेडिसिन और वैक्सीन का निरंतर सप्लाई किया है। हमने ऐसा नहीं कहा कि हम भारत के पॉपुलेशन को ही प्रोटेक्ट करेंगे, हमने मेडिसिन और वैक्सीन खास करके दोनों में पूरे विश्व को सप्लाई किया है, तो हम एक रिलायबल सप्लायर की तरह उभर कर आए हैं एक्सपोर्ट फ्रंट पे, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि दुनिया भी कुछ देशों के सामने भारत को प्रायोरिटी दे रही है कि भाई ये एक डेमोक्रेटिक और स्ट्रांग कंट्री है, यहाँ पर सप्लाई चेन ट्रांसफर किया जाए, उसका भी हमें एक फायदा हो रहा है, और हमारी जो बेसिक्स है क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी वो तो है, तो ये सारे परिबलों को हम एक साथ देखें तो डेफिनेटली हम जो 130 बिलियन डॉलर का जो हमारा एक टारगेट है 2030 तक वो हम कर पाएंगे, और 2047 में जो 450 से 500 बिलियन डॉलर का टारगेट वो भी डेफिनेटली हम रीच कर पाएंगे। जी, और इसके साथ साथ डॉक्टर शाह अगर देखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ उत्पादन जो है उसमें जब हम लक्ष्य हासिल करने की बात कर रहे हैं, तो इसके जरिए इस क्षेत्र में जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो किस तरीके से आप देखते हैं? हाल में अभी एक मैं गुजरात से हूं, तो जस्ट मैंने गुजरात में ही एक न्यूज की हमने पढ़ा था कि हर साल लास्ट 3 साल में करीब करीब 450 से 500 नए यूनिट्स के लाइसेंसेस दी गए हैं। तो आप समझिए कि हर साल अप्रोक्सीमेटली 7 से 8% यूनिट 10% तक नए यूनिट्स बन रहे हैं, और जो नए यूनिट्स बन रहे हैं वो सारे वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं जी। तो इनमें फार्मासिस्ट की, एनालिस्ट की, रिसर्चर की, सारो जो टेक्निकल लोग हैं इनकी एक रिक्वायरमेंट रहती है, और इसीलिए IDMA जो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है, हम एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के साथ भी बहुत क्लोजली काम करते हैं, नाइपर्स में के साथ हम काम करते हैं, और हमने विश्व में आगे आना है तो अगले 10-15 साल में विश्व की सबसे जो 10 अच्छी फार्मेसी इंस्टीट्यूट उसमें से 2 या 3 भारत की हो, वो भी हम एक प्रयत्न कर रहे हैं एकेडमिक्स के साथ बनके, तो अच्छे फार्मासिस्ट बने, अच्छे एनालिस्ट बने, अच्छे रिसर्चर बने और इंडस्ट्री के साथ जुड़े, इससे सबका विकास हो। जी, कहीं ना कहीं डॉक्टर शाह अगर देखा जाए, क्योंकि घरेलू बाजार में किस तरीके से उत्पादन बढ़ा है, रोजगार का भी आपने बताया किस तरीके से उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन अब की जो नीति है, क्या माना जा सकता है कि जो वैश्विक बाजार है उसके अनुरूप, उसके अनुकूल कहीं ना कहीं रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे विश्व स्तर पर और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति जो है वो हमारे जो खासतौर से फार्मा सेक्टर है इसकी नज़र आ सके? जैसे मैंने आपको बताया कि विश्व में मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो जो जेनरिक स्पेस में हम हैं उसमें कैसे हम ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, जिसके लिए हमने हमारा अभी GMP कोड अपग्रेड किया है, इंडस्ट्री का भी अपग्रेडेशन और भी कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पेनिट्रेशन कर सकें, तो एक तो ये बात है जिससे ग्रोथ होगा। दूसरा जो एक बड़ा एरिया है जो हम अभी तक मिस कर रहे थे वो रिसर्च का था, तो हमने हाल ही में काफी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने भी लिए हैं और इंडस्ट्री में भी साथ में काम किया है, तो
हम अगर हमारा फोकस एडिशनली रिसर्च पे रखेंगे, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे रखेंगे, जी. तो अगले कुछ सालों में हमारी स्ट्रेंथ इसमें डेवलप होगी. और इससे जो एक बड़ा मार्केट है जो रिसर्च ड्रिवन मेडिसिन का है, वो भी हमारे हाथ में आएगा. तो बिल्कुल. हमारा ये डबल ग्रोथ होगा जी. तो ये हम कह सकते हैं कि जो गति है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी, और खासतौर से जो फार्मा सेक्टर है और भी ज़्यादा उसका निर्यात की बात की जाए, उत्पादन की बात की जाए, उसमें इजाफा होता हुआ हम देखेंगे. फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर शाह आपका. तो बता रहे थे कि किस तरीके से देखिए कोशिशें लगातार की गई हैं, और सरकार की नीतियाँ की बात की जाए या खासतौर से जो अलग अलग आंकड़े हैं उनके अनुसार तमाम संभावनाएँ जो हैं, अवसर जो हैं, इस क्षेत्र में नजर आते हैं. अब आइए आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी टुडे में, और बात खास तौर से अगर की जाए चित्रकूट धाम की, तो यहाँ आप बता दें स्फटिक शिला के पास एक ऐसे स्टार्टअप से मिलने का मौका हमारी टीम को मिला जो रोबोटिक्स में पीएचडी करने के बाद लोगों को सात्विक आहार की ओर ले जाना चाहते हैं. सतना में उनके स्टार्टअप का इंक्यूबेशन हुआ है, और चित्रकूट में इतनी इन्होंने अपनी दो शाखाएँ शुरू कर दी हैं. तो चलिए मिलते हैं चित्रकूट के स्टार्टअप ब्रांड रामन से. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास स्टोरी में. हम आपको एक बहुत ही स्पेशल स्टार्टअप के साथ मिलवाने जा रहे हैं. ये आप देख रहे हैं मंदाकिनी का तट और चित्रकूट का धाम है स्फटिक शिला, मेरे पीछे शिला, जो कि अत्यंत रमणीय और यहाँ का आध्यात्मिक केंद्र है. हजारों की संख्या में लोग रोज़ यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं. और राम रसिक के नाम से एक स्टार्टअप की शुरुआत हुई. स्टार्टअप क्यों है समझते हैं. भैया क्या नाम है आपका? जय सिया राम. मेरा नाम है डॉक्टर कमल शर्मा, और हमने चित्रकूट में स्टार्टअप किया है. राम रसिक नाम से हमारा ब्रांड है, और हम तीर्थयात्रियों को फोकस करके शुद्ध सात्विक खान पान प्रोवाइड करने के लिए एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हैं जो राम भगवान पर केंद्रित हो और तीर्थयात्रियों को शुद्ध सात्विक खान पान उपलब्ध करवाए. तो डॉक्टर साहब ये आइडिया कैसे आया, और आप तो मूलतः राजस्थान से हैं, तो चित्रकूट की धरती पर कैसे आना हुआ आपका? मूल मैं राजस्थान से हूँ, तो क्योंकि हमारा स्टार्टअप, पहले मैं BARC में साइंटिस्ट था, रोबोटिक साइंटिस्ट रह चुका हूँ 12-13 साल, और क्योंकि राम भगवान का प्रेमी हूँ तो एक ऐसा स्टार्टअप जो राम भगवान पे केंद्रित हो और तीर्थयात्रियों पे फोकस करे, तो इसलिए हमने राम भगवान से जुड़ी नगरी चित्रकूट से स्टार्ट किया. तो अभी हम मुझे समझाइए कि कितने आउटलेट्स हैं, आपने कैसे शुरुआत की, अभी आपका मतलब प्रॉफिट वगैरह कहाँ पर पहुँचा है, या अभी बूटस्ट्रैपिंग है, कैसे इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे, थोड़ा सा आगे का प्लान बताइए. जी, अभी बूटस्ट्रैप्ड हैं हम, और अभी हमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं. सतना डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट में लगता है, तो सतना में, सतना इंक्यूबेशन सेंटर में गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है. वहाँ पर हमें ऑफिस स्पेस मिल रहा है, मेंटरशिप मिल रही है. और अभी इस समय चित्रकूट में हम दो स्थानों पर हैं, स्फटिक शिला और जानकी कुंड में. सुनने में बड़ा अच्छा भी लगता है, और थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है कि रोबोटिक्स में PhD करने के बाद में राम रसिक जो यहाँ पर चित्रकूट की पावन धरती पर आए हैं और देसी आंवले का मुरब्बा जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो दे रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि कैसे लोगों को सात्विक आहार के साथ जोड़ा जाए, और सात्विकता भगवान राम के जीवन के साथ हर पग पर जुड़ी हुई है. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रही इस राम रसिक स्टार्टअप की. फिलहाल इस स्पेशल कवरेज में सिर्फ इतना ही. कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अजय मिश्रा, DD न्यूज़, चित्रकूट धाम. तो स्टार्टअप कल्चर के अलग अलग उदाहरण जो हैं लगातार हमारे सामने आते हैं, और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं कारोबार जगत की से जुड़ी कुछ और खबरों पर. सरकार ने चीनी मिलों को चालू वित्त वर्ष में एथेनॉल बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर 6.7 लाख टन बी हैवी शिरे का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है. यह मंजूरी एथेनॉल उत्पादन के लिए 17 लाख टन चीनी की निर्धारित उपयोग सीमा के अलावा होगी. वर्तमान में चीनी मिलों के पास 6.7 लाख टन बी हैवी शिरे का स्टॉक मौजूद है. नियमों के उल्लंघन के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर सख्त कार्रवाई की है. RBI ने फिलहाल बैंकों को ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है, और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी रोक लगाई है. यह रोक RBI द्वारा बैंकिंग नियमों के उल्लंघन को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया कदम है. मौजूदा ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नए ग्राहकों को खाता खोलने या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए RBI की रोक हटने का इंतजार करना होगा. माइक्रोकॉन के बाद अब सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़ी जापान की बड़ी टेक कंपनी शार्प भारत में निवेश करने की तैयारी में है. हाल ही में भारत सरकार के
इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ शार्प के अधिकारियों के बीच इस निवेश को लेकर बैठक हुई है। शार्प यूनिट लगाने के लिए देश के कई हिस्सों में 1,000 एकड़ से अधिक जमीन की तलाश भी कर रही है। शार्प भारत में डिस्प्ले फैब निर्माण की यूनिट लगाने की योजना बना रही है और जापान से बाहर शार्प की सबसे बड़ी यूनिट हो सकती है। शार्प भारत में कटिंग एज वाली डिस्प्ले फैब का निर्माण करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आरबीआई ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 मई 2024 से रविशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्हें मई 2021 में 3 साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया था। गौरतलब है कि टी रविशंकर 1990 में आरबीआई में शामिल हुए थे और उन्होंने बीते वर्षों के दौरान केंद्रीय बैंक में विभिन्न पदों पर काम किया। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला जल्दी भारत में अपना कारखाना स्थापित कर सकती है। कंपनी ने भारत और मैक्सिको में $25,000 कीमत वाली अपनी किफायती इलेक्ट्रिक कार बनाने की योजना बनाई है जो 2025 में उसके बाद कभी भी साकार हो सकती है। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क का कहना है कि कंपनी नए कारखानों में निवेश करने से पहले नए और किफायती मॉडलों का उत्पादन अपने मौजूदा कारखानों में करेगी ताकि उनकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। आयकर विभाग का कहना है कि अगर करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ देते हैं तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के मुताबिक अगर पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार सेवा लाइसेंस धारकों को उनके स्वामित्व एवं संचालन वाले भवनों, टावर, विद्युत उपकरण और डार्क फाइबर सहित निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को सभी तरह के दूरसंचार सेवा लाइसेंस धारकों के साथ साझा करने की मंजूरी देने की सिफारिश की। विदेश में खनिजों की खोज के लिए गठित सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त उद्यम खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता किया। एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के संचय शुद्ध मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 1.6% घटकर 2,558 करोड़ रुपए रहा जो इसे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 26 करोड़ रुपए था। तो जाना आपने कारोबार जगत में क्या कुछ आज खास रहा। फिलहाल के लिए इकोनॉमिक टुडे में बस आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कारोबार जगत की तमाम खबरों के साथ, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि डीडी न्यूज़ है भरोसा सच का।